मैं डॉक्टर रेवती साकलकर और संगीत एवं मंच कला संकाय में मैं कार्यरत हूँ आचार्य के पद पर। मैम, आज विश्व संगीत दिवस है जी, तो क्या कहना चाहेंगे विश्व संगीत दिवस को लेकर, किस तरह से संगीत की मांग बढ़ी है लोगों में, क्या? जी देखिए, विश्व संगीत दिवस है, बहुत ही प्रसन्नता का आज ये दिन है, जबकि हम एक ऐसी विद्या जो कि जीवनदायिनी और सबसे ऊपर कहना चाहिए कि प्रसन्नता में वृद्धि करने वाली ये विद्या है, जो कि एक सीखने की चीज़ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों को आनंद जो देती है वो, और जो खुशी देती है, तो उसकी कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है। तो वो प्रसन्नता जब आदमी अपने दुख सुख व्याधि चिंताएं व्यग्रता सब भूल जाए, ऐसी विद्या है ये। तो ऐसे दिवस पे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी पूरे जो भी हमारे संगीत के सेवा में रत हैं और जो भी संगीत पसंद करने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आज संगीत से कोई भी अछूता नहीं है जी, लोग संगीत को सुन रहे हैं, संगीत के द्वारा ही चिकित्सीय कार्य आप लोगों ने प्रारंभ किया था जी, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर और कहाँ तक वो जो है सफल रहा जी? देखिए, जिस दौरान मैं उस पर कार्य कर रही थी संगीत चिकित्सा पर, और मेरा विषय था कि मनोदैहिक व्याधियों के चिकित्सा में संगीत का संभावित योगदान, तो उस दौरान जिन जिन और मैंने जो व्याधियाँ ली थी वो मनोदैहिक, मतलब साइकोसोमैटिक, जो कि बॉडी और माइंड इससे रिलेटेड थी, और क्योंकि व्याधि, किसी भी व्याधि का मूल जो है वो है स्ट्रेस या तनाव या चिंता, क्योंकि व्यक्ति उसका जिक्र या उसके बारे में नहीं बताता, बल्कि कहता है वो फला व्याधि से ग्रसित हो गया। चिकित्सक के पास जाएगा तो कहेगा कि अच्छा, आपको बहुत जुकाम हो गया है, आपको बहुत खांसी हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन जब हम उसके मूल में जाएंगे तो पता चलता है कहीं ना कहीं थोड़े 3 दिन 4 दिन पूर्व वो व्यक्ति विशेष जो है बहुत गहरी चिंता या तनाव से गुजरा है, और उसके बाद कोई भी रोग उसको बहुत जल्दी ग्रस्त कर लेता है। तो ये मूलभूत कारण है, और व्यक्ति खुश रहे, खुशहाली का जो मंत्र है वो संगीत है। तो मैंने विभिन्न रागों के माध्यम से और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो रोगी थे, जो कि हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित थे, या जिसको एक और भी नाम है हाई ब्लड प्रेशर, तो बहुत आगे चल के जब बढ़ जाता है हमारा रक्तचाप उसको कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होती है जब तनाव में रहते रहते व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ा हुआ रहने लगता है, और वही व्याधियों का मूलभूत कारण है। तो उसमें मैंने बहुत कारगर पाया, कहना चाहिए 100%, इस तरह से कहना चाहूँगी। मैम, किन किन लोगों की आपकी टीम थी और कितने लोग इस टीम में थे? देखिए, मैं उस समय जो थी मैं ही इस विषय पे शोध कर रही थी, तो टीम एज अ टीम करके तो नहीं, लेकिन मेरे जो PhD का ये विषय रहा संगीत चिकित्सा, इसके अलावा भी हमारे विभाग में संगीता जी ने भी किया है, और उस समय मैं कर रही थी PhD इसमें। बच्चों को कहाँ तक आप इसमें पारंगत कर पाए हैं अभी तक, कितने बच्चे इसमें? देखिए, जहाँ तक संगीत चिकित्सा विषय का तात्पर्य है, तो वो तो अगर आप उस पर काम करना चाहें तो वो विषय लेके काम कर सकते हैं, और जहाँ तक इस विषय के बारे में बताए जाने की बात है, तो मैं हमेशा से मेरा ये कहना रहा है, और मेरे अंदर से हमेशा ये अपेक्षा और इच्छा, और मैं कहती रहती हूँ कि संगीत को केवल सीखने सिखाने तक सीमित न रखें, बल्कि उसके जो संगीत जो चीज़ बताना चाहता है या उसके जो गुण हैं, उसके अंदर जो गुण छिपे हुए हैं, जैसे चिकित्सकीय गुण एज अ टूल टू ट्रीट सम डिजीज़ या डिस्कम्फर्ट या तनाव या स्ट्रेस, तो उसमें जिस तरह से संगीत कारगर होता है, तो वो उसका प्रचार प्रसार हो,
हमारे बच्चे जाने कि संगीत केवल गाने और प्रस्तुति का केवल माध्यम तो है, मनोरंजन का माध्यम तो है, लेकिन चिकित्सकीय गुणों से भी भरपूर है, अपार संभावनाएं हैं। हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनकी वंशी से जो गाय बछड़े और जो पेड़ पौधे सब मोहाविष्ट हो जाते थे, तो ये संगीत के कि जिससे सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसी जो आनंद प्रदायिनी विद्या है उस पे काम करके निश्चित तौर पे संगीत जगत को इसका बहुत लाभ होगा। और मैं लगातार करती रहती हूँ, जो मैं प्रस्तुति करती हूँ तो मैं मन में ये संकल्प ले के करती हूँ कि जो भी गाऊँ उससे लोगों को शांति और आराम पहुँचे। और जब मैं एसेंशियल हाइपरटेंशन और साइकोसोमैटिक जो नॉन डिजीज़ ये इस पर काम कर रही थी, तो मतलब जो लोग संगीत नहीं भी पसंद कर रहे होते थे उनको भी जब मैं बांसुरी के माध्यम से और विभिन्न राग, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगी राग अहीर भैरव, राग सारंग मध्यमात सारंग, राग मालकौंस, राग दरबारी, ये सब राग जब उनको सुनवाए तो उनको बहुत आराम मिला। और जो उनका एसेंशियल हाइपरटेंशन जो कि प्रारंभिक अवस्था है रक्तचाप बढ़ने वाली, उसमें बहुत राहत मिली। और मैंने ये जो चिकित्सा पद्धति अपनाई एज मतलब ऑल्टरनेटिव थेरेपी की उसके साथ साथ में चलने वाली, तो इस तरह से हमारा काम रहा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।